गुड मॉर्निंग पीपल, टुडे इज डे 3 एंड द फाइनल डे जब हम क्वारी पास जा रहे हैं। तो आज हमारा फाइनल एसेंड है और हम फाइनली क्वारी पास जाएंगे। बट वहाँ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मुझे पता है आप लोगों को बहुत क्वेश्चंस हैं कि जब हम कैंप कर रहे होते हैं, ट्रैक कर रहे होते हैं, तो वॉशरूम कहाँ जाते हैं। ऑब्वियसली मेरे पीछे ये वॉशरूम टेंट है। तो जब भी आप किसी कंपनी के साथ आते हो तो ये लोग वॉशरूम टेंट कैरी करते हैं और इसके अंदर गड्ढा खोदा जाता है और यहाँ पे आप लोगों को अपना डेली बिजनेस करना पड़ता है। पर अगर आप खुद से ट्रैक कर रहे हो, जैसे हमने बहुत बार खुद से ट्रैक किया है, तो वी गो आउटसाइड, वी डू इट ऑन आर ओन, पीछे पत्थरों पे जाके। अब इसके अंदर कैसा होता है मैं आपको नहीं दिखाने वाली, आपको ट्रैक करना पड़ेगा और फिगर आउट करना पड़ेगा कि टेंट के अंदर आप कैसे ये और ये कर सकते हो। मैं नहीं बताऊँगी, बट जैसे मैंने आपको पहले कल बताया था कि वाटर सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये डेली बिजनेस करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो मेरे यहाँ पे नीचे साइड में वाटर सोर्स है। नाउ वील स्टार्ट विद द ट्रैक, क्वारी पास फाइनली बिगिंस। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से नज़ारे कैसे हैं और ट्रैक कितना डिफिकल्ट है या इजी है। तो अभी ये इतना सा स्टीप है, उसके बाद पूरा ओपन विंडो जाने वाले हैं, बहुत स्ट्रेस नो मिलने वाली है और बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। टोटल अप एंड डाउन 8 किलोमीटर करीब का ट्रैक होगा। क्वारी पास जाके अपन वापस यहीं पे आने वाले हैं, खुलारा कैंप साइट। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। सो ऑल सेट, ये गो, वूहू। So there is Ankit walking. Ankit ko thoda thoda sar dard hona start ho gaya hai because of altitude. Aaj pata nahi kya halat hui hai na, bahut bahut zyada chalna hai aaj. 8 km. Aate waqt to theek hai. Jaate waqt. Monish, what happened to your spirits? सो पीपल, हम अभी इस रास्ते से आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टीप था और एक्चुअली हमारे गाइड भैया ने ये रास्ता बनाया है क्योंकि इससे पहले कोई नहीं आया था। तो स्नो नीज तक थी और हम नीज पे ट्रैक करते करते धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। अभी भी आप देख सकते हो अंकित और मोनिश धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। बट यहाँ इस पॉइंट से थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि थोड़ा ग्रेजुअल असेंट है, तो होपफुली अभी थोड़ा ईजी होगा। बट बहुत ही ज़्यादा नी डीप स्नो है तो मुश्किल है ट्रैक करना। आगे जाके देखते हैं कि रास्ता कैसा है। अंकित कुछ बोलने की हालत नहीं है। सेविंग सम एनर्जी। अच्छा अच्छा, कैमरा खोलते एकदम स्मैक। सो हम यहाँ से एकदम नीचे से आए हैं अभी तक और वहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर रेंजेस दिख रहे हैं जो क्वारी पास से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सारे ट्रीज हट जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो पीपल, हम बस पहुंचने ही वाले हैं टेंपल की ओर और आप जैसे देख सकते हो पीछे मेरे कुछ भी नहीं है। तो पीपल, हम क्वारी पास की हाइट पे आ चुके हैं, 3620 meters। यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ से 3-4 रास्ते निकलते हैं। एक निकलता है ऊपर की ओर पांगरचुला, यहाँ से क्वारी पास मेरे पीछे जाता है ताली की ओर, और अभी हम जहाँ से आए हैं वो है खुलारा का रास्ता। पांगरचुला बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कहा जाता है ट्रैक करना, तो हम ऑब्वियसली वहाँ तो नहीं जा रहे, बट हम नीचे को जाएंगे क्वारी पास जो उस साइड को पड़ता है। बहुत ही सही व्यू था ना। विंड शीटर वैसे इसी जगह काम आते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विंडी है और मौसम खराब हो रहा है। अभी हम नज़ारे एडमायर करते हुए खाना खा रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे आगे क्वारी पास की ओर। तो स्नो के साथ साथ हम कुछ बोल्डर्स भी क्रॉस कर रहे हैं और सिर्फ स्नो ही स्नो है चारों ओर। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। ओह डैम, इतना ज़्यादा स्नो है। सो आप जैसे देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्नो है और एकदम नीचे स्लैंट हो रखा है। सो हम अपना बॉडी वेट ऊपर की ओर रख रहे हैं, विच बेसिकली मीन्स जो अपर लेग है उसका आउटर एज और इनर लेग का इनर एज अंदर को रहेगा।
तो यहाँ पे रास्ता नहीं है बिकॉज ऑफ नी डीप स्नो. तो हमारी गाइड भैया काट काट के स्नो को हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं, विच इज़ लाइक सो नाइस. वरना हम कुंवारी पास नहीं पहुँच पाएंगे. अभी देखते हैं, वैसे जितनी स्नो है पता नहीं पहुँच भी पाएंगे या नहीं. सो इवन एज यू कैन सी हम एकदम एज पे वॉक कर रहे हैं. एक गलत स्टेप हम नीचे स्लाइड हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप है और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है. हम बहुत ध्यान से चल रहे हैं अपना वेट एडजस्ट करके. देखते हैं आगे कितना दूर है कुंवारी पास. पास उसको बोलते हैं जो दो वैली के रूट जोड़ते हैं, उसको पासेस बोलते हैं. जैसे यहाँ से आप कुंवारी पास से घाट भी जा सकते हैं, कुंवारी पास से रूपकुंड भी जा सकते हैं. तो हम एटलीस्ट उस टॉप तक तो जा रहे हैं, बट बहुत टाइम की बहुत कमी है. तो देखते हैं आप कुंवारी पास जाते हैं या नहीं, बट टॉप पे तो जाएंगे और टॉप से व्यूज बहुत खतरनाक मिलने वाले हैं ऐसा मुझे लगता है. तो मैं फंस चुकी हूँ इधर पूरा यहाँ तक. राधिका इज डाउन. One man down, five to go. Oh, निकल गए. फिर से गए. Oh, 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 oh. What's up? क्या करूँ? शाबाश, शाबाश, शाबाश. Oh shit. Shit, boss. बहुत नीचे आ रही तो. बहुत ज़्यादा नीचे. कमर तक आ गया. भैया भी गिर गए. भाई तीनों गिरे पड़े यार. आप कैसे सामने गए? तीनों लोग गिरे पड़े. आप भी गिरोगे. एक स्टेप लो. लो एक स्टेप. नहीं गिरा तो गिरोगे 100% बता रहा हूँ. गिरोगे गिरने स्टार्ट हो गए सारे सारे गए. बॉडी स्टेट है. ये सारे लोग फंस चुके हैं वहाँ पे. काफी कमर कमर तक घुस चुके हैं सारे टीम. ये देखो क्रॉलिंग कर रहे हैं मैडम रानिका राधिका मैडम. कैसा लग रहा है मैडम ट्रैकिंग? ये कौन सा ट्रैकिंग है आपका? This is called my method, Radhika Nomler's method. Crawling. Crawling. Very, very good, very good, very good. चलते रहो, घुटने के बल पे चलते रहो. ये ट्रैकर है तो कतई नहीं आए भाई. इसके हाथ में आ जाएगी पहले बता रहा हूँ. मैं दोबारा बोलना. मैं दोबारा नहीं बोला. दोबारा नहीं बोला. दोबारा बोलो. कोई न्यू ट्रैकर है तो कतई नहीं आए. मनीष, what do you think? You are a new tracker. Should people come? Yes. ये स्नो की वजह से मुश्किल है ना, वरना इजी है. स्नो के लिए एक्चुअली मेल्ट जो वाला स्नो है वो हार्ड नहीं हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी हम ग्रेट हो चुके हैं. तो हम कुंवारी पास के बहुत नजदीक है. यहाँ से जाना है और उस पहाड़ी के पीछे है बेसिकली कुंवारी पास. बहुत ज्यादा पास है और यहाँ से व्यूज बहुत ही बेहतरीन हो गए. हम थोड़ा टॉप पे जा रहे हैं कि हम दोनों साइड के वाली व्यूज देख पाए. कदर नजारे हैं पीपल. इट इज सो 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 ब्यूटिफुल. 360 degrees. वहाँ टेम्पल से भी बेटर है यहाँ पे. मेरे तो कुंवारी पास जाने का मन ही नहीं है. मैं यहीं से खुश हूँ. यहीं से बहुत अच्छे व्यूज है. सामने पे दूध दिखाई दे रहा है. सामने पे पांगरचोला दिखाई दे रहा है. यहाँ पे अभी हम 3740 मीटर पे पहुंच चुके हैं. एक्चुअली कुंवारी पास नीचे रह गया 3620 मीटर क्योंकि यहाँ से हमको अप एंड डाउन करने में 2.5 किलोमीटर का फर्क पड़ता है. इसलिए देखते हैं अभी टाइम के हिसाब से देखते हैं आगे जाता है. यहाँ यही चील मारेंगे. पास का जर्नी. हम वैसे कुंवारी पास नहीं गए क्योंकि बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से. वी आर नॉट मेकिंग दैट मच एफर्ट, बट यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ. कुंवारी पास एंड्स हियर. लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉर द एल्गोरिथम एंड बाय बाय. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. राधिका हमारे साथ सबसे दूर एक बार जाके बैठ जाओ. वो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है. मैं वहाँ बैठा था बहुत दूर. सुकून. हाँ लेकिन तुम्हें देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा ये बंदी रियल ट्रैवलर है. खतरनाक भी है यार. खतरनाक वाइब है कि नहीं? बस मजा आ गया. नेक्स्ट लेवल यार. नेक्स्ट लेवल.
टोटली वर्थ है, टोटली वर्थ द मेहनत जो लगी ऊपर चढ़ने में। नीचे जाओ ना फिर। Sun is getting down. यही हो। What happened राधिका? What happened? अबे ड्रोन है। राधिका ये कैसा था? कैसा लग रहा है मैडम? बस अब मुझे घर जाने हो गया मेरा कोटा। आपका कोटा हो गया? हाँ। तो हम लोग वापस जा रहे हैं अभी जोशीमठ after having samosa party is going on. ये हम कर रहे हैं नाइट ट्रेकिंग और मोनिश का ये फर्स्ट ट्रैक एंड आल्सो फर्स्ट नाइट ट्रेकिंग एंड हिज फर्स्ट ट्रैक। इफ आई वाजंट विद द बैग देन मजा आ जाती यार, पर अभी भी मजा आ रही है। एडवेंचर ऑफ लाइफ टाइम, फुल ऑफ एडवेंचर बॉस, पूरा फील्स गुड, वेरी गुड वाइब है ना, वाइब है ना, वाइब। अंधेरे में बर्फों के बीच से ओले गिर रहे हैं, बारिश गिर रही है, आज कुछ जिंदगी में उखाड़ है। अच्छा। 100 के पे भी इतनी खुशी नहीं हुई थी। अरे बाप रे, अंकित भाई और मेरी तो फुल बैंड बन चुकी है यार। वॉज फाइनली वी आर बैक, ऑल टायर्ड बट हैप्पी। यस अंकित इज डेड। हालत कैसी है भाई? भाई मजा आ गया यार, मजा आ गया, बहुत मजा आ गई। ये अपने भरत भाई एकदम चिल मूड में और अपने स्पेशल भाई जय भाई एकदम मस्त। तो